देश के लिए शेर जानेंगे और लेकर आएंगे मिडकैप के महारथी। और मिडकैप की महारथी शेयर बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं हिम सिक्योरिटीज की आस्था जैन। आस्था जी, शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए, आज कौन सा शेयर है आपकी लिस्ट में? मांगना चाहूंगी, आज इंटरनेट के इश्यूज की वजह से फोन लाइन पे मैं जुड़ पा रही हूँ, तो कुछ टेक्निकल दिक्कतें थी, उसके लिए माफी मांगना चाहूंगी। देखिए, सबसे पहले जो पसंद आता है मिडकैप महारथी में वो है अशोका बिल्डकॉन। अशोका बिल्डकॉन की बात करें तो मैं सबसे पहले इसमें लक्ष्य देना चाहूंगी। अशोका बिल्डकॉन में खरीदारी करने की सलाह है, लक्ष्य 190 का रहेगा। अशोका बिल्डकॉन को पसंद करने के पीछे दो तीन कारण है। सबसे पहले तो जिस तरह से इन्होंने अभी यहाँ पे एयरपोर्ट लिंक रोड जो प्रोजेक्ट इनका पूरा हुआ है, वो बढ़िया प्रोजेक्ट है, उसमें 82% तक वो अब पूरा कंप्लीट हो चुका है और कमीशन हो जाएगा मार्च 2024 तक, तो वो एक सबसे पॉजिटिव पॉइंट लगता है। जबकि पहले जो इनकी गाइडलाइन थी वो अगस्त 2024 तक थी, तो अपनी गाइडलाइन को ये लोग क्रॉस कर रहे हैं और पहले ही इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रहे हैं, तो ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट लगता है। दूसरी तरफ कुछ असेट मोनेटाइजेशन भी इनके होने वाले हैं और वो एडवांस स्टेज पे हैं। मुझे लगता है इन सब की वजह से इनका डेट भी काफी कम होगा और वो भी एक पॉजिटिव पॉइंट होगा, क्योंकि अगर डेट कम होता है तो फाइनेंशियल्स को मजबूती मिलती है आगे जाते हुए। तीसरी तरफ देखें तो ऑर्डर बुक भी यहाँ पे बढ़िया है, 148 बिलियन के आसपास की ऑर्डर बुक है, जो कि दुगनी है FY24 के रेवेन्यू जो इन्होंने पोस्ट किए थे उससे। तो इस हिसाब से ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल मजबूती आगे जाके इस काउंटर को मिलती रहेगी और ये काउंटर आगे भी अप्रिशिएट होता रहेगा। सो खरीदारी करने की सलाह रहेगी 190 टारगेट के लिए। दूसरा जो काउंटर पसंद आता है वो है IRB इंफ्रा। खरीदारी करने की सलाह रहेगी, इसमें टारगेट जो रखा जा सकता है। दो शेयर ये आस्था जी की तरफ से, आस्था जी से संपर्क टूट गया लेकिन शेयर हमारे पास आ गए, दोनों इंफ्रा स्पेस से हैं। IRB इंफ्रा का लक्ष्य 52, 2 महीने के लिए भी आपको लेना है और 46 के पास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। और दूसरा अशोका बिल्डकॉन, नंबर्स इसके अच्छे आए थे, नतीजे जो पिछले तिमाही के आए थे सितंबर तिमाही के बहुत अच्छे आए थे और री रेटिंग की बात हो रही थी, ये शेयर चलेगा 160 का 190 हो जाएगा आस्था जी के हिसाब से 2 महीने की अवधि में।